हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ पॉजिटिव मैग्नेटिक क्लासेस, है ना। पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव आज हम पढ़ेंगे एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि हमें इंड्यूस नहीं रहना, हमें कैसा रहना है, परमानेंट रहना है। बिकॉज इंड्यूस कैसा होता है सर, वीक होता है। इंड्यूस मैग्नेटिज्म कैसी होती है सर, वीक मैग्नेटिज्म होती है, हमने देखा है। और हमें तो वीक बनना ही नहीं, हमें स्ट्रांग बनना है, हमें सोसाइटी में स्ट्रांग अपना एक इमेज बनाना है। इमेज बनने के लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रांग होने के लिए हमें इंड्यूस नहीं होना है, हमें परमानेंट होना है। और परमानेंट वही होता है जिसमें अंदर में एनर्जी होती है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है। नेल इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा रहा था, पर जो बार मैग्नेट था वो कैसा था, वो परमानेंट मैग्नेट था। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था, किसी भी आयरन पर्टिकुलर पार्टिकल को अपने वश में कर सकता था, मतलब वो कितना ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, वैसे ही अगर हम मैग्नेट की कहानी देखते तो एक हमारी भी कहानी है कि हम जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं आएगा अंदर से, तब तक हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे। हमें नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो आते हैं फिर से हम अपने चैप्टर पे। अब हमने मैग्नेट के बारे में तो बात कर ली थी, अब कुछ देखते हैं मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेट हो गया था, अब कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात जानते हैं। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट को और डिटेल में गहराई में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ पोल है। ठीक है, मान लेते हैं ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है। तो अब हमने कहा कि सर मैग्नेट है, इसका एक पावर है, तो सर इसका पावर का कोई एक रेंज होगा। ठीक है, इस पावर की कोई एक रेंज होगी सर, ये मैग्नेट कितने दूर तक या फिर कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसका एक रेंज होना चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, तो उसी रेंज को जो हम कहते हैं, हम कहते हैं उसे मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, इस मैग्नेट की पावर कितने दूर तक फैली हुई है, कितना ज्यादा इसका फील्ड है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। चीजें क्लियर है। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द नीडल ऑफ अ कंपास रेस्ट इन अ डिरेक्शन अदर देन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डिरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। चीजें क्लियर है, फिर से पढ़ते हैं हम, क्या है, द रीजन इन विच द कंपास गेट इन्फ्लुएंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा सर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितने दूर तक है, इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक मैग्नेटिक कंपास लिया है, एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसलिए उसे कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, कंसीडर करते हैं, ये है मैग्नेटिक कंपास, ये नॉर्थ है तो इसे भी नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से दिखाना होगा, है ना। अब इस मैग्नेटिक कंपास को और थोड़ा डिस्टेंस पे ले आते हैं, यहां पे हम चेक कर रहे हैं, यहां पे भी आपको नॉर्थ और साउथ पोल, ये कंपास नॉर्थ और साउथ पोल दिखा रहे हैं। अब हम और दूर चले गए, ठीक है, अब इस केस में हमने देखा कि नॉर्थ और साउथ पोल की डिरेक्शन ही चेंज हो गई इस कंपास में। ठीक है, इस कंपास में नॉर्थ और साउथ पोल की डिरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बार मैग्नेट है इसका इन्फ्लुएंस, इसका जो रेंज है पावर का, वो यही कहीं तक है। इस पर्टिकुलर लाइन के बाद उसका पावर जीरो हो गया है, वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहा है इस मैग्नेटिक कंपास को। बिकॉज मैग्नेटिक कंपास कब वर्क करता है, मैग्नेटिक कंपास तभी वर्क करता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में हो, है ना, इसलिए उसे मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में होता है। जैसे ही वो रेंज के पार चले जाता है तो वो जो डिरेक्शन है, जो इन्फ्लुएंस है, वो चले जाता है और मैग्नेटिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक कंपास कुछ अलग डिरेक्शन आपको शो करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक मैग्नेट का एक पर्टिकुलर लिमिटेड रेंज होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस पर्टिकुलर मैग्नेट का पावर कितने पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे स्प्रेड आउट है, उसी फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चीजें क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गई, ओके। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आप सभी को पता है वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डिरेक्शन होती है, तभी तो वेक्टर कहलाएगा, मैग्नीट्यूड और डिरेक्शन, है ना। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड होता तो क्या होता, स्केलर हो जाता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड और डिरेक्शन होती है तो वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर इसमें एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक हम कैसे मानेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलो डायरेक्शन देखते हैं फिर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है
यहां पे सुनना है अच्छे से, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, किस डायरेक्शन में, आउटसाइड द मैग्नेट। जब हम मैग्नेट के बाहर के बारे में बात करते हैं तो ये होती है आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसी तरीके से दोनों तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो दोनों तरफ होती है, ऐसा नहीं है कि सिंगल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये होता है क्या आउटसाइड द मैग्नेट। अब जब इनसाइड द मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। मतलब हमने क्या पढ़ा अभी, आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। मतलब देखो डायरेक्शन है, डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर, और कुछ क्वांटिटी होगी, ठीक है, डायरेक्शन है तो मतलब मैग्नीट्यूड भी है, और इसलिए इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। याद रखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक लाइन से एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्यों, बिकॉज इसे डायरेक्शन होती है कि नॉर्थ से साउथ के तरफ जा रहा है, आउटसाइड द मैग्नेटिक डायरेक्शन डिफाइंड है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ तक जा रहा है, मतलब डायरेक्शन डिफाइंड है, इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चीजें क्लियर है। अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब यहां पे बात आ रही है टेंजेंट की। टेंजेंट की बात कब होती है, जब एक पर्टिकुलर क्लोज्ड लूप या फिर सर्कुलर बारे में बात होती है तभी आपको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, टेंजेंट का रोल तभी आता है। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है, अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े तो सबसे पहला क्या होता है, दे आर क्लोज्ड, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, दे आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस कर्व, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है, वर्ड टू वर्ड समझते हैं, क्लोज्ड और कंटिन्यूअस का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये फर्स्ट फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो फर्स्ट है, ये कंप्लीटली क्लोज्ड है, मतलब यहां से ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, देखा, एक कंप्लीट एक लूप बन रहा है, ये क्लोज्ड है और कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि गैप आ जाएगा बीच में मिस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस ऐसी बहुत सारी रेज आपको देखने मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये क्लोज्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज क्लोज, आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कभी नहीं दिखाई देगी, यहां तक ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यहां तक पॉसिबल ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज क्लोज्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, हमेशा क्लोज्ड होती है एंड कंटिन्यूअस कर्व होती है, कर्व का है। ठीक है, और कर्व पार्ट पे अगर आपको हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या करोगे, सर कर्व है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, जिस तरफ इसका टेंजेंट शो करेगा उसी तरफ उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन बताइए, सर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो टेंजेंट जिस तरफ रहेगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ऐसा क्यों, बिकॉज ये कर्व पार्ट है। चीजें क्लियर है, ओके। सेकेंड क्या कहता है, सेकेंड प्रॉपर्टी, आउटसाइड द मैग्नेट दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। आउटसाइड, ये सेकंड प्रॉपर्टी कहती है जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या करती है, आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ, दैट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड वाइस वर्सा, इनसाइड द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि पर्टिकुलर अगर किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या शो करता है, शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट के बारे में बात हो रही है एट दैट पॉइंट, है ना? ओके, फोर्थ एंड लास्ट हम देखते हैं, फोर्थ लास्ट तो नहीं है, फोर्थ देखते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे तो आप डायग्राम में नहीं देख पा रहे हो, पर ये देखिए फर्स्ट रे सेकेंड रे वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगी? बिकॉज अगर इंटरसेक्ट कर जाती, इसमें लॉजिक क्या है ये देखते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का रे है और ये सेकेंड, कंसिडर करती इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह इंटरसेक्ट कर गया, दिखाई दे रहा है। अब हमें पता है कि जो रे है ये क्या करता है, एक डिरेक्शन शो करता है, किसी भी पॉइंट पे एक डिरेक्शन शो करता है। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये तो ड्यूअल नेचर ऑफ टेंजेंट हो गया, है ना, ऊपर की तरफ भी टेंजेंट बनेगा, नीचे की तरफ भी टेंजेंट बनेगा, ये पॉइंट ऐसा है कि इस तरफ भी टेंजेंट बनेगा, ये भी बहुत सारे टेंजेंट बन जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि इंटरसेक्ट हो रहा है दो डिफरेंट कर्व्स, दो डिफरेंट कर्व अगर इंटरसेक्ट होगा तो दो डिफरेंट टेंजेंट बनेंगे, दो डिफरेंट टेंजेंट अगर बनता है तो मतलब क्या हुआ, एक फील्ड दो डिरेक्शन दिखा रहा है, ऐसा हो जाएगा, है ना, एक जो पर्टिकुलर फील्ड है एक मैग्नेट दो डिफरेंट डिरेक्शन शो करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो हम जो नेविगेशन सिस्टम में जो मैग्नेट यूज करते हैं जिसे हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं वो तो ड्यूअल आपको डिरेक्शन बताता, नॉर्थ भी और साउथ भी, एक ऐसा पॉइंट होता जहां पर आपको नॉर्थ भी दिखा रहा है साउथ भी दिखा रहा है, तो आपको डिरेक्शन गलत हो जाती है ना, इसलिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इनसाइड द मैग्नेट हो या आउटसाइड द मैग्नेट, यहाँ पे भी आपको इक्विडिस्टेंस के साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाई देगी, वो कभी भी ना ही आउटसाइड द मैग्नेट और ना ही इनसाइड द मैग्नेट वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। फिफ्थ पढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या है, दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड आर फार सेपरेटेड नियर द मिडल ऑफ द मैग्नेट। अब ये तो आपको यही क्लियर समझ में आ रहा है, पोल पे क्या देखो क्राउडेड है, पोल पे कैसे क्राउडेड है और लैटरली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, लैटरली ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है इस पर्टिकुलर फील्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस्ड है, पर वही अगर आप पोल पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम क्राउडेड है। इसका मतलब क्या हुआ, एट पोल, एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, चीजें क्लियर है, क्यों, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक जो रेज होती है वो क्राउडेड होती है, मतलब यहां पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक अक्यूमुलेशन है, ठीक है। अब जब हायर क्लास में जाओगे तो इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहां पे डेंसिटी कह सकते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा है ना, तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डेंसिटी, मैग्नेटिक डेंसिटी, इसी मैग्नेटिक डेंसिटी को अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करते हैं तो इसे कहते हैं फ्लक्स, इसे क्या कहते हैं, फ्लक्स, FLUX, मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी आप वर्ड सुनोगे मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब वो बात कह रहे हैं मैग्नेटिक डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब आगे आप अगर मेरे कभी मैंने कह दिया फ्लक्स तो क्वेश्चन मार्क नहीं है करना है कि पर्टिकुलर सर फ्लक्स क्या होता है, अभी बता दे रहे, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, मतलब कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है उसी की तो हम डेंसिटी कहेंगे, है ना। डेंसिटी किसके बारे में बात हो रही, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक डेंसिटी होगी, मैग्नेटिक डेंसिटी को एक टेक्निकल नाम देते हैं जिसे हम फ्लक्स कहते हैं या फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं, चीजें क्लियर है। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम कह रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पैरेलल है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर पैरेलल लाइन है इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, पैरेलल लाइंस शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये चीजें क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दे बिहेव लाइक अ स्ट्रेच इलास्टिक रबर स्ट्रिंग। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दे बिहेव लाइक एन स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग कैसा होता है, आप उसे एक्सपांड कीजिए, छोड़ दीजिए, वापस अपने नॉर्मल स्पेस में आता है। मतलब क्या होगा, ये बहुत ज्यादा भी आप फैला दोगे तो भी ये नॉर्मल अपने कंडीशन में ही रहेगा। स्ट्रेच इलास्टिक स्ट्रिंग के, इलास्टिक रबर के जैसे वो बिहेव करता है, ठीक है। तो ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक लाइंस या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये सभी 7 पॉइंट्स आपको लर्न हो जाने चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चीजे क्लियर है। आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और पहली प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हमेशा क्लोज्ड होती है, ओपन कभी नहीं हो सकती। मतलब इसका हमेशा कोई एंड ही नहीं होगा, जैसे सर्कल का कोई एंड नहीं होता है। आपने देखा होगा सर्कल एक पर्टिकुलर ऐसा क्वांटिटी जिसका कोई एंड नहीं है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यू है और क्लोज्ड है, है ना, चीजें क्लियर है। तो उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी होती है, क्लोज होती है और कंटिन्यूस होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट वाइस वर्सा, दैट इज साउथ टू नॉर्थ। अगर हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन पता करनी है तो क्या करना है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट क्यों ड्रॉ करना है, बिकॉज ये कैसा पार्ट है, ये कर्व है। कर्व है मतलब अ टाइप ऑफ सर्कल, अ पार्ट ऑफ सर्कल है। कर्व पार्ट पे अगर जब भी हमें डायरेक्शन पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसलिए यहाँ पर टेंजेंट आ गया, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, इंपॉर्टेंट वन, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ठीक है। दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी या फिर क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस क्यों नहीं करेगा, अगर किसी ने रीजन पूछा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होती, सर रीजन ये है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस हो जाती है तो वहां पे इंटरचेंज ऑफ पोल्स हो जाएगा, मतलब साउथ का नॉर्थ और नॉर्थ का साउथ हो जाएगा उस पर्टिकुलर पोल पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरचेंज हो जाएगी ना। तो अगर पोल चेंज हो गए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कंपास है वो तो सिर्फ घूमते रहेगा तेजी से। क्यों, एक पॉइंट अगर यहाँ पे नॉर्थ इन्फ्लुएंस करेगा, एक पॉइंट साउथ, तो वो कंटिन्यूस रोटेट करेगा, तो क्या आपको एक डायरेक्शन बताएगा, नहीं। तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऐसा तो कभी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हुआ है कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो कंटिन्यूस घूमते रहे, ऐसा कभी बना ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां से हमने कंक्लूजन निकाला है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत ज्यादा है। रीजन क्यों है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेस कम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एंटर करने के लिए इतना ही स्पेस है, जबकि यहाँ पे तो बहुत लैटरल स्पेस बहुत ज्यादा है, वो कितनी भी ज्यादा वर्ल्ड एक्सटेंड हो सकती है ना, कितनी भी ज्यादा हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड हो सकती है, पर यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से इस पर्टिकुलर रीजन में क्राउडेड है ना, क्राउडेड है। क्राउडेड होने की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे बहुत सारी है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट का वो बहुत ज्यादा है। चीजें क्लियर है। पैरेलल लाइंस शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आप जब भी आप पैरेलल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखोगे, अगर मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर पैरेलल दिखाई दे रही है, और ये प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होती है तो वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। थर्ड सॉरी लास्ट सेवन, दैट इज स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, इट इज लाइक ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग, ठीक है। तो 7 प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का। ये चीज़ें क्लियर है पक्का, चलो थैंक यू।